सोलन में राज्य स्तरीय मां सोनली मेले की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो मेले में किसी भी परंपरा में बदलाव नहीं चाहते और उन्होंने कहा कि मेले आपसी मिलन के सूचक होते हैं, इसीलिए देव परंपराओं में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द समितियों के गठन के निर्देश दिए और उन्होंने सभी लोगों को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के समितियों के सदस्य बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि पारंपरिक मेले सभी के सांझे होते हैं, इसीलिए उन्हें बेहतर बनाने के लिए सभी को एकजुटता का परिचय देना चाहिए। इसी उद्देश्य से आज बैठक में उपस्थित लोगों से सोलनी मेले को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी मांगे गए। उन्होंने कहा कि मिलने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य स्तरीय मेले में किसी भी तरह से कोई कमी न रह जाए, इसके लिए बैठक में सोलन की संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, जिसने सभी ने इस मेले को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। बैठक के दौरान भाजपा नेता और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल के बीच हल्का वाद विवाद भी रहा और कुछ भाजपा नेताओं में आपसी सहमति भी थी, लेकिन बाद में माहौल को शांत करवाया गया। ये मेला जो है प्रशासन और लोग, जनता, इन दोनों के सहयोग से ये मेला जो है वो होने वाला है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का उत्साह बैठक के अंदर, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि जितने लोग बैठक में उपस्थित थे वो सब आयोजन करता है, वैसे तो पूरा शहर जो है वो आयोजन करता है, होस्ट है, इसलिए उनका उत्साह देख करके मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये मेला जो है वो सफलतापूर्वक आयोजित होगा। और भी मेला जो है पहले से भी अच्छा जो है हम इस मेले को कर पाएंगे। इसमें विशेष तौर से सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा पहलू है, स्वच्छता की दृष्टि से और तीसरा खान पान की दृष्टि से, क्योंकि काफ़ी भंडारे वगैरह भी आयोजित होते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव। और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग की क्या तैयारी है वो बड़े विस्तार से एसपी महोदय ने जो है सारा उसका खाका जो है सभी उपस्थित सदस्यों के समक्ष रखा है और उसमें कई लोगों ने अपने बड़े बहुमूल्य सुझाव दिए।